प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे पर आज तक फिर मेगा कवरेज जारी है। हमारी सहयोगी श्वेता सिंह जुड़ गई हैं, पीएम मोदी के एक कार्यक्रम को फॉलो कर रही हैं। श्वेता, जब पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे तो हमने भारतवंशियों में गजब की गर्मजोशी देखी। अब पीएम मोदी योगा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उसकी क्या कूटनीतिक अहमियत है? भारत में तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हो गई है, लेकिन अमेरिका में अभी भोर होने का इंतजार है। हालांकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करेंगे यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के समारोह को। दरअसल याद कीजिए, 2014 में दिसंबर में ही 21 जून को घोषित किया गया था कि अब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ करेगा। बड़ी कोशिशें भारत की तरफ से की गई थी, जिसके बाद इसका ये परिणाम देखने के लिए मिला था। 175 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हक में उस समय वोट किया था, उसके पक्ष में वोट किया था, और ये बहुत बड़े गर्व की, सम्मान की बात हो जाती है। प्रधानमंत्री यहाँ पर जब लीड करेंगे, भारतीय समुदाय के कई लोगों को आने की यहाँ पर उन्हें मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही जो संयुक्त राष्ट्र, जो यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग सदस्य हैं, उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा उत्साह दिखाया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन के लिए। और प्रधानमंत्री का स्टेट विजिट, उसके साथ यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में ये आयोजन, लोग जो हैं पूरी तरीके से उत्साह से भरे हुए हैं। श्वेता, न्यूयॉर्क के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अगला पड़ाव कहां रहने वाला है? हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को इस दौरे की सामरिक और कूटनीतिक अहमियत के बारे में भी बताएं कि कैसे ये दौरा ऐतिहासिक और दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती देने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूयॉर्क से निकल जाना है वॉशिंगटन डीसी के लिए, और वॉशिंगटन डीसी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आयोजित होनी है, जिसकी ओर सब देख रहे हैं। देखिए, एक तो व्हाइट हाउस में उनका कार्यक्रम हो जाता है, एक तो जब जो बाइडेन उनकी मेजबानी करते हैं तो उसका हर एक पहलू देखने लायक होगा। लेकिन इसके साथ ही रक्षा सौदों के लिहाज से बहुत अहम इस दौरे को माना जा रहा है। भारत और अमेरिका की जिस तरह की साझेदारी रही है, दोनों देश आपस में एक साथ मिलकर काउंटर टेरर को लेकर जिस तरह के काम करते रहे हैं, जिस तरह से इंटेलिजेंस शेयरिंग दोनों देशों के बीच रही है। लेकिन इसमें जब हम जीई और एचएल के बीच एक करार देख लेते हैं, जिसके हिसाब से जब तेजस का जो निर्माण होगा, उसका जो उत्पादन होगा, उस हिसाब से कितना फायदा भारत को पहुंच सकता है। जब हम फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स की बात करते हैं, तो भारत और अमेरिका की वो साझेदारी किस दिशा में हमें ले जाती है, किस तरीके से वो ड्रोन्स जो गेम चेंजर होते हैं जब सैन्य ताकत की हम बात करते हैं, तो भारत और अमेरिका के बीच जो रक्षा के लिहाज से जो समझौते जो अभी तक कमोवेश तैयार हैं और बस उनकी घोषणा की का इंतजार सब कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अहम रहेगा। तो इस लिहाज से इस दौरे को बहुत ध्यान से देखा जा रहा है, और भारत की सैन्य ताकत किस तरीके से बढ़ेगी वो अगले चंद दिनों में हमारे सामने होगा।